काकी जोत जगाओ रे नव दुर्गा की जोत जगाओ रे कदली स्तंभों से द्वार सजाओ रे कदली स्तंभों से द्वार सजाओ रे नव दुर्गा की जोत जगाओ रे। मंगलमय पावन दिन आया पावन बेला में मंगल गावो रे पावन बेला में मंगल गावो रे नव दुर्गा की जोत जगावो रे नव दुर्गा की जोत जगावो रे। रतन जड़ित अर्पण कर चूनर रतन जड़ित अर्पण कर गले मोतियन के हार पहनावो रे गले मोतियन के हार पहनावो रे नव सजावो रे हरे आंगन में रंगो
सजावो रे कदेली स्तंभों से द्वार सजावो रे नव दुर्गा की ज्योत जगावो रे नव दुर्गा की ज्योत जगावो रे पावन बेला में मंगल गावो रे पावन बेला में मंगल गावो रे पावन बेला में जयकार लगावो
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमो ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु
त्वं सूर्य त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वीकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना पाग उजारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी सनारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग हिंग हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाचिन शाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो
शादी शपथ विलंब न लावो। जय 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 धनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा, चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 मंता, ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामे पराने खल दल, अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे, काहि कहो फिर कौन उबारे, बाध करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, रूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे, सदा धरे उर ध्यान, देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुंडा नमः। ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः। ॐ नरकांतका नमः। ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Buddhyam Khara Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jeeve Nacha Ghana च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंयो न वै पञ्च
जो पस्तपायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are.
May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज नवरात्रि के पंच दिवस पे, पांचवे दिन पे हम मां आदिशक्ति के पार्वती स्वरूप के पांचवे अवतरण मां स्कंद माता के रूप में पूजन और वंदन के अवसर पे आज सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। मां स्कंद माता, स्कंद जो कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है, कार्तिकेय जी जो युद्ध के देवता हैं, देवताओं के सेनापति हैं, उनका जन्म जिसका एक प्रयोजन था, जो राक्षस निरंतर देवताओं को परेशान करते थे, आक्रमण करते थे, उनको सिर्फ शिव और शक्ति के सामूहिक पूजा से ही मारा जा सकता था। शिव और शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा से कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ राक्षसों का वध करने के लिए। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और मां पार्वती स्कंद माता के रूप में पूजे जाने लगे, जो मातृभाव और प्रेम हमारे अंदर स्थापित करते हैं। मां स्कंद माता हमें अनेकों अवगुणों से दूर करते हैं। मां स्कंद माता हमारे विशुद्धि चक्र में विराजती हैं। विशुद्धि चक्र जो 16 पंखुड़ियों का एक चक्र है, 16 पंखुड़ियां अर्थात श्री कृष्ण की 16 कलाएं, इसकी जागृति से ही सहज योग संभव है, इसका प्रचार प्रसार संभव है। श्री कृष्ण एक महान योगी थे और उन्होंने अवतरण लिया ये बताने के लिए कि हम एक विशुद्ध आत्मा है और हमें जीवन को साक्षी रूप में देखना है। 16 पंखुड़ियां अर्थात 16 शक्ति, इसकी जागृति हम बीज मंत्र के 16 बार उच्चारण से होती है। अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में रखेंगे, ढूंढेंगे हमारा विशुद्धि चक्र किस जगह है, कहाँ ये गोल घूम रहा है। कंठकूप से रीढ़ की हड्डी, गोल हड्डी के अंदर इन दोनों के बीच की दूरी अपने विशुद्धि चक्र को ढूंढेंगे। चित स्थिर करेंगे,
पूरा चित्त अपने कंठ के अंदर, कंठ को और रीढ़ की गोल हड्डी के बीचों बीच में ढूंढेंगे विशुद्धि चक्र, और महसूस करेंगे अंतरिक्ष में स्थित शनि ग्रह, जिसके चारों ओर सुदर्शन चक्र की भांति एक रिंग है। उसको अपने गले के अंदर, कंठ में महसूस करेंगे। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ पधारे हैं, शनि ग्रह के रूप में। विशुद्धि चक्र जिस दशा और दिशा में घूम रहा है, उसी में शनि ग्रह को घूमता हुआ महसूस करेंगे। तालमेल बैठाएंगे दोनों की गति में। पूरा चित्त अपने कंठ के अंदर, आप सभी का इस सुंदर सभा में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान योगियों को मेरा सादर नमन। आज के इस ध्यान की शुरुआत हम जोगवा के अर्थ और श्री माता जी के दिए हुए प्रवचन के कुछ खंड के साथ करेंगे, जो मधु गुप्ता जी पढ़ेंगे, और उसके बाद माँ की अमृत वाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। श्री माता जी कहते हैं, आप सब सहज योगी हैं, आपकी नियति क्या है? आपकी नियति आध्यात्मिक सफलता, आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करना है। माँ कह रही है, देवी ने चंडमुंड का वध किया, इसलिए वे चामुंडा कहलाएं। इस कलयुग में वे सब वापस आ गए हैं, सब के सब। देवी से प्रार्थना, हे देवी, कृपा करके आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान करें, हमें विजयी करें, आध्यात्मिक उत्थान दें और हमारे शत्रु को नष्ट करें। श्री माता जी द्वारा जोगवा का अनुवाद तथा व्याख्या। संत एकनाथ प्रतिष्ठान के रहने वाले थे, जिसे पैठन में कहा जाता है, उन्होंने यह जोगवा लिखा था। इसका अर्थ है योग। उस समय उन्होंने गवई भाषा में गाया। उसके पश्चात महाराष्ट्र के बहुत से लोगों ने जोगवा गाया। आप कल्पना करें कि ये महजन कितने वर्षों पूर्व लिखा गया था, और आज आप लोगों ने इसे सहज योग के अनुरूप बना लिया है, परंतु उसमें संक्षिप्त रूप से भली बात वर्णन किया गया है कि उस समय उन लोगों ने क्या इच्छा की थी।
महाराष्ट्र में देवी को वाया कहते हैं, कहकर पुकारा जाता है। आपको हैरानी होगी कि बचपन में मेरा नाम भी वाया था। परिवार के सभी लोग मुझे वाया कहकर पुकारते थे। भजन के आरंभ में कभी कहता है कि मैं माँ देवी से योग मांगूंगा। महाराष्ट्र के गांव में योग को जोगबा कहते हैं, कभी इसे बायचा जोगबा अर्थात देवी द्वारा बाया प्रदत्त जोगबा कहता है। यह जोगबा मांगता है अब आनंदी निर्गुणी का अर्थ है आद्या, यह उससे भी परे जो गुणातीत हो। देवी पृथ्वी पर भवानी रूप में प्रकट हुई, वे महिषासुर का वध करने के लिए आई तथा वे यहाँ त्रिविध तपाची कराव्या झंडाणी अर्थात तीन प्रकार के ताप दुख को दूर करने के लिए आई हैं। अब वो हमें निर्वाण प्रदान करने के लिए आएंगी, ये बात उन्होंने उस समय कही थी। कभी कहते हैं जब देवी मेरे निर्वाण के लिए आएंगी तब मैं क्या करूंगा, मुझमें अभी द्वैत है अर्थात मैं अभी तक स्वयं को परमात्मा से अलग मानता हूँ। द्वैत का अर्थ है आप इस विश्व को परमात्मा से अलग मानते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि अद्वैत है अर्थात हम परमात्मा से एक रूप है, तब इस द्वैत को समाप्त करूंगा, उनके देवी के गले में पुष्प माला डालूंगा, अपने हाथ में ज्योतिर ज्ञान का झंडा पकड़ूंगा, बिना जाति या धर्म भेदभाव के मैं देवी दर्शन को जाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद 9 दिनों तक मैं 9 प्रकार से देवी की भक्ति करूंगा। श्री माता जी आगे कहती हैं, तब मैं अंत सभी मांगे छोड़ दूंगा, ज्ञान रूपी पुत्र की कामना करूंगा। तत्पश्चात मैं क्या करूंगा, कभी यहाँ एक महिला के रूप में गा रहा है, वह कहता है कि वे विश्व धम से परिपूर्ण है, ऐसे खराब पुत्र दम को मैं त्याग दूंगा। और उस समय प्रति पुष्पों की टोकरी में सारा ज्योतिष ज्ञान भर दूंगा और सारी आशाओं मनसाओं को पूर्ण रूप से तोड़कर मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। मनोविकारा करीन कुरबंदी, मैं अपने सारे मनोविकारों को अपने बंधन ग्रस्त मस्तिष्क को तोड़ दूंगा। जिसे हिंदी में कहते हैं कि अपनी खराब आंख को निकाल दो। अंत में अतः मैं पृथ्वी माँ के गर्भ में अमृत साची भरीन मैं ध्रुवी अमृत रत निकाल कर अपनी इस टोकरी में भर लूंगा। प्रेसी के रूप में कपि अपनी सखी से कहता है, सखी अब मैं पूर्णतः निर्लिप्त निसंग हो गया हूँ, संदेह रूपी अपने पति को मैंने त्याग दिया अर्थात अब मेरे अंदर संदेह का कोई स्थान नहीं रहा। तत्पश्चात वह कहती है कि काम क्रोध वृद्ध शरीरों का दाह संस्कार मान ले तुक्ष जाति, इन दो लोगों भ्रंग को मैंने त्याग दिया है और बाकी बच्ची हुई सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को भी मैंने त्याग दिया। अब मैंने अपनी सुरंग यानी सुषुम्ना को खोल लिया है, मैंने यही योग परमात्मा से मांगा था, इसे प्राप्त करके मैंने इसे अपने पास सजोया है और उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के बुलंद दरवाजे पर जाकर मैंने उनका धन्यवाद किया है। अब मैं जीवन और मृत्यु की समस्याओं से मुक्त हो गया हूँ, इस प्रकार कभी गा रहा है। श्री माता जी आगे कहती हैं, महंतम से भी महंतम ज्ञान से यह जानना है कि परमात्मा ही प्रेम है, वे केवल प्रेम है। और यदि आप एक सहजयोगी को भी प्रेम नहीं कर सकते तो आपको ये बात जान लेना आवश्यक है कि आपसे कोई भयानक कमी है जिसका समाप्त होना आवश्यक है। प्रेम होना ही चाहिए, इसी प्रेम को हम निर्वाच्य कहते हैं अर्थात इस पर कोई ब्याज नहीं होता, केवल मूलधन होता है। श्री माता जी कहती हैं, अब आप लोग केवल प्राप्त करने वाले ही नहीं हैं, आप में देने का भी क्षमता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने अन्य लोगों को क्या दिया है। इसके विपरीत यदि अब भी लोगों को केवल अपना क्रोध देते हैं, अपना लालच आदि बुराइयां दर्शाते हैं तो यह बात सहजयोग शोभा नहीं देती। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना होगा कि अभी भी कुछ कमी रह गई है,
अभी भी यदि आप छोटी छोटी चीजों जैसे कपड़े, खाना, सुख सुविधाएं आदि पर बहुत ध्यान देते हैं तो आप जान लें आप में कुछ कमी है। आपका व्यक्तित्व अभी अपूर्ण है। एक वाक्य हमेशा याद रखें, स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? किसी भी चीज का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मेरे सम्मुख यदि कोई समस्या आ जाए तो मैं तुरंत ध्यान में चली जाती हूँ और समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि यह मेरी शक्ति है। इसी प्रकार से आपको भी यदि कोई समस्या हो तो यदि आप ध्यान में चले जाएंगे तो मेरी शक्ति आपकी समस्या का समाधान कर देगी। इसका अर्थ ये कि ध्यान अवस्था में आप मेरे सम्मुख समर्पित हो जाएं, तब समस्या समाधान मेरा कार्य हो जाता है। परंतु यदि आप मानसिक रूप से योजनाएं बनाकर समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे तब आप शिकंजे में फंस जाएंगे। सबसे अच्छा है जब भी कोई समस्या आपको परेशान करे तो आप केवल ध्यान में चले जाएं। प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, उस समस्या के साथ ध्यान में चले जाएं और आपको समस्या पर विजय प्राप्त होगी। श्री माता जी कहती हैं, आज आप मुझसे विजय के बारे में पूछ रहे थे, मुझे आपसे बताना है कि ध्यान अवस्था के किले में आप अत्यंत सुरक्षित हैं और ध्यान अवस्था में ही आप भली भांति उन्नत हो सकते हैं। किसी भी अन्य अवस्था में आप उन्नत नहीं हो सकते। यह अवस्था वृक्ष के लिए धूप समय, आपको ध्यान में होना, निर्विचारता में रहना होगा। ना तो आपको किसी का विरोध करना है, ना किसी से असहमत होना है, ना कुछ कहना है। विशेष रूप से अन्य सहयोगी को तो आपने कुछ कहना ही नहीं। किसी को यदि आप नालायकी करते हुए पाए तो बस ध्यान में जाएं और सभी चीजें को परिवर्तित होते हुए देखकर आप हैरान होंगे। यही यह आपकी शक्ति है। इस विश्व में कितने लोगों ने आत्म साक्षात पाया है? बहुत कम लोगों ने। वे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कार्यान्वित कर रहे हैं, परंतु उनमें जिस चीज का अभाव है वह है ध्यान शक्ति। श्री माता जी कहती हैं कि सभी चीजों के रहस्य में आपको बता सकती हूँ, उत्थान के विषय में सभी कुछ बता सकूंगी, मात्र इतना जान लेना कि आप महामाया के सम्मुख बैठे हैं ही बहुत सहायक है। अतः महामाया के आवरण से भ्रमित न हो, अपनी मर्यादाओं में, सूझबूझ में, हर गतिविधि में आपको स्मरण रखना है कि हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें समर्पित रहना है। स्वतः ही आप सब कुछ सीख जाएंगे, आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अवस्था ऐसी है जैसे पेड़ जब यौवन पे आता है तो ये फूल प्रदान करता है और फूल परिपक्व होकर फल देते हैं। इसी प्रकार से आपको भी बनाया गया है, इसी प्रकार से आप उन्नत होते हैं, तब आप अपनी उन्नति को महसूस करते हैं, इसका आनंद लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन गुजारते हैं। अतः मेरा अंतिम लक्ष्य केवल इतना है कि मैं आपको खुशियां दूं, आनंद दूं। इसी कारण से यह सारा संघर्ष चल रहा है। मुझे आशा है कि मैं अपना लक्ष्य और आपका लक्ष्य भी प्राप्त कर सकूंगी। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। जय श्री माता। जय श्री माता जी। अब श्री माता जी की विशुद्धि चक्र के ऊपर एक छोटी सी स्पेस सुनेंगे, वो रचित रखेंगे विशुद्धि चक्र पे। को एक साक्षी को करके देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते। तो यहां पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी दो हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है, वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है। जो बिजली है यह भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं।
और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, यहां तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता होगा तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। यह सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट सिद्धि पकड़ती है, और इसको पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ा जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती। रात दिन कभी पत्नी कभी पति कभी घर कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहां राज्य कर रहे थे, उनका स्थान। तो जब गोप गोपी बन के यहां रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। पांच शक्तियां वो, 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहां मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू किया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में ले, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बेड़ी फूके, श्री कृष्ण उससे खुश रहते। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर वगैरह आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन है, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़े, कपूर माथे पे लगाए, जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है इसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये तीन ऐसे पेंच बैठे हुए, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ डाले। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी जल या चीनी इस तरह की चीजें दे करके अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने बाएं हृदय में प्रकाशित महसूस करेंगे।
आत्मा के गुणों से भरपूर ये चित्त साक्षी भाव में स्थापित इस चित्त को धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे। वज्र नाड़ी में पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए, आप ही शिव पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन है, हे गौरी गणेश कृपा कीजिए, श्री माता जी के मातृत्व के प्रेम की कृपा हम पर बरसने की अनुमति प्रदान कीजिए। आपकी अबोधिता पवित्रता आपकी शुचिता हमें प्रदान कीजिए। आपका समर्पण हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम मां के प्रेम को पा सके। पूरा चित्त मूलाधार चक्र वज्र नाड़ी में पूरा चित्त अपने ही अंदर स्थित कर लेंगे, उठाएंगे चित्त को स्वाधिष्ठान पे, चित्त को शांत रखेंगे, स्थिर रखेंगे, साक्षी रूप में हर चक्र को देखेंगे, नाभि हर चक्र को घूमता हुआ महसूस करेंगे। मध्य हृदय पूरा चित्त मध्य हृदय में विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण मध्य में कंठ के अंदर महसूस करेंगे। लेफ्ट में श्री विष्णु माया, राइट विशुद्धि में श्री विट्ठल रुक्मणी महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र की जागृति इस चक्र के घूमने को पूरे ब्रह्मांड में इसे घूमने देंगे, जुड़ जाएंगे पूरे ब्रह्मांड से। विशुद्ध आत्मा है सब में स्थित है हम, पूर्ण शिव है, आत्मा हूं मैं, सर्वत्र विद्यमान हूं मैं। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र से पूरे विश्व में फैली हुई हमारी आत्मा, उसका प्रकाश, आत्मा के प्रकाश को ऊपर ले जाने वाली नाड़ी बाएं विशुद्धि से उठाएंगे चित्त, आज्ञा पे लाएंगे, सहस्रार मिलाएंगे, आत्मा का प्रकाश पूरे सहस्रार में श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ देंगे चित्त, मां के विराट स्वरूप में फैल जाएंगे। विराट में श्री माता जी ही विराट आंगना है,
विराट की शक्ति चित्त को उठाएंगे आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के ऊपर शून्य सरोवर में, श्री सदाशिव से योग करेंगे। समा चुके हैं हम श्री सदाशिव के भीतर, चित्त को पूर्ण रूप से श्री सदाशिव स्थित महसूस कर रहे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे, परिक्रमा करेंगे, अर्धनारीश्वर स्वरूप समा जाएंगे। एक बार फिर से आनंद लेंगे योग स्थिति का, धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के योग के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे परमपिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे। कर चरण कृतम वा काय करम जम्बा, श्रवण नयन जम्बा, मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। धीरे धीरे अपने चित्त को आकाश मिलाएंगे, अंतरिक्ष से होते हुए आकाश से पूरे विश्व में, आत्मा के प्रकाश को फैलने देंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को एकत्रित करें, सहस्त्रार में श्री माता जी के श्री चरणों में पूरी सामूहिकता के साथ समर्पण भाव से स्थित करेंगे। सब कुछ सरेंडर कर देंगे, अपने चित्त को धीरे धीरे पूरी सामूहिकता के साथ मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ जगदम्बा के सामने अर्घलास्त्रोतम का पाठ करेंगे।
जय श्री माता जी, जी शुरू कर रहे हैं। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। काल रात्रि, आपको नमस्कार है। मधु कैटब विद्रा विवि धात्र वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जयहि। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दें, जय अर्थात मोह पर विजय दें, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दें, काम क्रोध और मेरे समस्त शत्रुओं का नाश करें। महिषासुर निर्नाशी भक्ता नाम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशु देहि। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश करें। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशु देहि। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश करें। शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशु देहि। शुंभ निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश करें। वंदितांग्री युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशु देहि। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश करें। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि दिशो देहि। देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश करें। नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जयि। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। स्तुवद्भ्यो भक्ति पूर्व त्वांच चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जयि। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दें, जय दें, यश दें और उनके काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। चंडिके सततम ये त्वाम अर्चयन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जयि। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम दे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विश्व देहि। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दें, परम सुख दें,
रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। विदेही दुष्टाम नाशम विदेही बलमुच्चकई रूपम देही जयम देही यशो देही दुषुजहि। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश करें, मेरे बल की वृद्धि करें, रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दुषुजहि। देवी मेरा कल्याण करें, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करें, रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणे अंबिके रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजहि। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं, आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजहि। अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाए तथा रूप दें, जय दें, यश दें और उनके काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चंडिके प्रणताय में रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजहि। प्रचंड दैत्यों के अहंकार का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजहि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजादारिणी परमेश्वरी रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजहि। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं, आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही द्विजयी। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही द्विजयी। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। देवी प्रचंड दोर दंड दत्य दर्प विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही द्विजयी। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड विनाश करने वाली देवी आप रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपम देही जयम देही यशो देही द्विजयी। देवी अंबिके आप अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो, मुझे रूप दें, जय दें, यश दें और काम क्रोध आदि समस्त शत्रुओं का नाश कर दें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करें जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेद् नरः स तु सप्तशती संख्यां वरम आपनोति संपदाम। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्ण। इसी के साथ हमारा अर्गला स्रोतम संपूर्ण हुआ। अब हम आरती करेंगे।
सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, जग में संकट कारण कितने दिए अवतार, माँ कितने दिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला, कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, संकटनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता, इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो, हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना,
माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। Shri 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 Shri
जय श्री माता जी। इसी क्षमा याचना के साथ आज के स्कंद माता स्वरूप में परमेश्वरी के ध्यान वंदन पूजन को विराम देते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। 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 आप सभी संतों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से प्रमिला जी मधुबुआ जिन्होंने आज जो पठन पाठन किया बहुत ही ओजपूर्ण भक्तिपूर्ण और चैतन्य से भरपूर था। माँ चरणों में कोटि कोटि नमन जो उन्होंने आज हमें अपना माध्यम बनाया और अपनी सेवा का ये अवसर प्रदान किया। जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।